जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर 2024 को तीसरे और अंतिम चरण के बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में 40 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 28 सितंबर को जम्मू में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन खानदानों के त्रस्त लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद और खून खराबा अब नहीं चाहते। यहाँ के लोग शांति चाहते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। इसलिए यहाँ लोग बीजेपी सरकार चाहती है। पिछले दो चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर के लोगों का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। यहाँ पहली बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत से पहली सरकार बननी तय है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी ये संविधान के दुश्मन है। इन्होंने संविधान की स्पिरिट का गला घोट दिया है। यही जम्मू में कई कई पीढ़ियों से यहां रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं दिया। उन्हें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इस हक से वंचित किया। आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से ये लोग भड़के हुए हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आपका विकास पसंद नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर वो पुराना सिस्टम लाएंगे, ये फिर वो भेदभाव वाला निजाम लाएंगे जिसका सबसे बड़ा शिकार हमारा जम्मू रहा है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।